से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार, मैं आयाना कक्षा 7वीं की छात्रा 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। हम 15 अगस्त 2024 को 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। यह 200 साल वह अंधेरा युग था जब अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों पर हर संभव अत्याचार किया था, किंतु उनका साहस नहीं डगमगाया तथा अंग्रेजों द्वारा 200 साल हर भारतीय की छाती पर तांडव की जंजीरों को विध्वंस करते हुए 15 अगस्त 1947 को सोने की चिड़िया माने जाने वाले भारत को आजाद करवाया। ना जाने कितने ही शहीदों के बलिदान से यह आजादी हमें नसीब हुई है। महात्मा गांधी, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और ना जाने कितने ही वीर सपूतों के खून से सींची हुई है यह आजादी, जिनका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। आज इन सब और ना जाने कितने शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। इन वीर सपूतों के बलिदान को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। 15 अगस्त हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिला रही है। हमें हमारे कर्तव्य को याद रखते हुए अपनी आत्मनिर्भरता, समानता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज वो वीर सपूत जो हमें हमारा कर्तव्य याद दिलाते हैं। क्या समझोगे तुम इस युग में, क्या समझोगे तुम इस युग में प्राण गंवाने का डर क्या था, क्या समझोगे तुम इस दौर में अंग्रेजों के प्रातरण का स्तर क्या था, क्या देखा है तुमने रातों रात पूरे गांव का जल जाना, क्या देखा है तुमने मंजर मासूम बच्चों का भूख से मर जाना। कहने को तो धरती अपनी थी पर भोजन का न एक निवाला था, सूरज तो उगता था हर दिन पर हर घर में अंधियारा था। अब यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने में अपना सहयोग दें। हमारा हर कदम, हर संभव प्रयास अपने देश को सुपर पावर बनाने में बढ़ाना चाहिए। तो आइए सब मिलकर मेरे साथ प्रण लीजिए, हमारे होते हुए देश को कभी ना झुकना पड़े। अंत में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा फहराने का महोत्सव आयोजन किया है, जो कि एक बहुत ही प्यारा कदम है देशभक्ति दिखाने का। किंतु हर बार लोग तिरंगा फहराते हैं, बच्चों के स्कूल में सेलिब्रेशंस में तिरंगा झंडा यूज करते हैं, किंतु अगले दिन उसको कूड़े में फेंक देते हैं। कृपया ऐसा ना करें, झंडा नीचे ना गिराएं। यदि आप तिरंगे झंडे की इज्जत नहीं कर सकते तो उसे घर ना लाएं। दे सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, ऊपर हमेशा इसको उठाए रखना जब तक तुझमें जान है। जय हिंद, धन्यवाद।